बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिवाइन प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके। तो इस वक्त मैं सरगोधा शहर के बिल्कुल वक्त में मैकडोनल्ड के सामने खड़ा हूँ। ये रोड सरगोधा शहर में क्वीन रोड के नाम से जानी जाती है और MM आलम रोड भी इसे कहा जाता है। मेरी बिल्कुल राइट साइड के ऊपर इस वक्त चिली चटनी होटल है, रॉयल ऑर्चर्ड के नाम से गेस्ट रूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं अभी क्वीन रोड पे जेल रोड की तरफ से 47 पुल की तरफ जा रहा हूँ और मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये तौहीद शॉपिंग मॉल है, बिज़नेस हब है ये भी, ठीक है। और बिल्कुल इंतहाई दाई जाना मेरे डिफिस्टा होटल है, इसी रोड पे चंद मीटर आगे जाके कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्लॉट है जी। मैं अभी इस वक्त इस कमर्शियल प्लॉट के जिसका रकबा है 8 मरले और 99 मरबा फुट उसके सामने खड़ा हूँ। लेफ़्ट साइड पे 47 पुल की तरफ को ये रोड जा रहा है और मेरे इंतहाई दाई जाना राइट साइड के ऊपर क्वीन चौक की तरफ रास्ता जाता है। ये इस प्रॉपर्टी का फ्रंट है जी, 37 फुट की चौड़ाई है, ठीक है। 8 मरले 99 मरबा फुट का ये रकबा रखता है। ये प्लॉट कमर्शियल प्लॉट है, ये इसकी मैंने फर्ज मिसल मियाद साथ अटैच की है, आप इसको भी देख सकते हैं बाकायदा। लेफ़्ट साइड के ऊपर भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चूँकि ये सारी कमर्शियल पट्टी है इसलिए यहाँ पे सब रेट भी कमर्शियल है, प्रॉपर्टीज भी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल भी में लोगों ने यहाँ पे घर रखे हैं। ये बैक साइड के ऊपर गली लगती है इसको, ठीक है। दोनों तरफ सामने मेन रोड है, बैक साइड पे गली लगती है और जो बैक साइड का रोड है वो पीछे काली रोड के साथ जाके लिंक होता है। इंतहाई नादर मौका है आप लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, क्योंकि आने वाले चंद दिनों महीनों और सालों के अंदर यहाँ पर प्लॉट लेना आपके लिए ख्वाबो ख्याल ही होगा, क्योंकि अभी से ही इस प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो ये प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे भी राबता कर सकते हैं और कमेंट्स में भी आप मुझसे मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। कमेंट्स करें, वीडियो पसंद आइए लाइक करें और मज़ीद प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।